कभी त्रिगुणात्मक त्रिकोण हूं, कभी चतुष्धर्मा चतुष्कोण हूं, तो कभी अनंतता के चक्र में विद्यमान पृथ्वी जैसा गोलाकार हूं। मैं ओंकार हूं, हिमालय राज व मैना भगवान शिव के समक्ष आते हैं किंतु उनकी समाधि देख लौट जाते हैं। उधर शोणितपुर में भयभीत तारकासुर पार्वती का वध करने की आज्ञा देता है किंतु पार्वती के तप की अग्नि से असुर भस्म हो जाते हैं। मेघासुर ये समाचार तारकासुर को सुनाता है। स्वर्गलोक में राग रंग में डूबे इंद्र को देख नारद उन्हें प्रताड़ित करते हैं और शिव जी के समक्ष जाने का परामर्श देते हैं। तत्पश्चात इंद्रादि देवगण नारद के नेतृत्व में भगवान शिव के समक्ष कैलाश पहुंचते हैं। हे वर्षी, भोलेनाथ का स्थान तो रिक्त है, अब क्या होगा? कहां जा सकते हैं? चलो नंदी से पूछते हैं। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद और देवराज इंद्र और सभी देवगण को मेरा प्रणाम। कल्याण भव। कल्याण कल्याण। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? न जाने कहाँ गए, अभी अभी ध्यान समाधि में थे, अचानक अदृश्य हो। किंतु अदृश्य होकर गए कहाँ होंगे और लौटेंगे कब? इस विषय में अधिकार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अनधिकार पूर्वक कुछ कहा जा सकता है? आप तो परिहास कर रहे हैं देवऋषि। अनिति और अन्याय तो नहीं करता, केवल परिहास ही तो कर रहा हूं। अब क्या होगा देवर्षि? वही होगा जो विधि का विधान होगा देवराज। क्या है विधि का विधान? इसका ज्ञान यदि हो जाए तो शेष रह ही क्या जाता है? विधि और विधान दोनों की मान्यता ही नहीं रह जाती। तो क्या अब हमें भोलेनाथ की प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक करेंगे प्रतीक्षा? न जाने वे कब लौटे। हाँ, मैं तो उनके दर्शन से वंचित रह गया। वंचित तो हम सभी रह गए। ऐसा प्रतीत होता है देवराज कि हमारे यहाँ आने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ को हमारे आने के संकेत मिल गए, इसीलिए हमें दर्शन देने से बचने के लिए वे अदृश्य हो गए। यदि मैं यहाँ अकेला आता तो दर्शन अवश्य करता, किंतु तुम्हारे कारण मैं भी रह गया। अर्थात क्या वे केवल हमसे रुष्ट हैं? अर्थात उनका अदृश्य होना यही सिद्ध करता है। परंतु इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? देवराज, यदि सभी कारण कार्य और मार्ग मैं ही आपको बताता रहूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपना सिंहासन स्वर्ग का मुझे सौंप दें और ये खड़तार और वीणा आप। भोलेनाथ तो हमसे रुष्ट थी, अब आप भी रुष्ट हो गए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मैं रुष्ट नहीं देवराज, असंतुष्ट हूँ। क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट क्यों हैं? क्या आप भूल गए कि कामदेव को आपने भगवान भोलेनाथ के पास भेजकर उन्हें क्रोधित कर दिया था? उनका अदृश्य होना यही प्रकट करता है कि वे अपनी वह अप्रिय घटना भूले नहीं है, इसीलिए वो आपसे अति क्रोधित है। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? सावधान रहना होगा देवराज, स्वर्ग की, स्वयं की, अपने अधिकार और समस्त देवगण की आपको रक्षा करनी होगी, और उसके लिए तारकासुर का वध आवश्यक है, और उस वध के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता अति आवश्यक है, और प्रतिष्ठितों की प्रसन्नता प्राप्त होती है अपने सद्व्यवहार, सद्गुण और सद्भावना से उन्हें प्रसन्न करके। देवर्षि, मैं आपके मार्गदर्शन का लाभ अवश्य लूंगा। इसी में आपका कल्याण है देवराज। बोलो। नमः शिवाय।
निसंदेह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है। इस महामंत्र के अध्येता कल्याणकारी शिव पर अटूट निष्ठा रखने वाले राजा धर्म के पुत्र नर तथा नारायण के समक्ष मात्र एक ही लक्ष्य था, शिवजी के दर्शन द्वारा अपने जीवन का कल्याण। नर नारायण भगवान की पूजा अर्चना में इतने निमग्न, इतने संलग्न रहते कि उन्हें रात दिन धूप छांव, उष्ण और शीत की सुदबुद भी नहीं रहती थी। पल चिन सांझ सकारे आती जाती श्वास पुकारे इस मन का विश्वास पुकारे आती जाती श्वास पुकारे ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः पंचाक्षरी मंत्र ये पावन निर्जन को कर देता मधुबन पंचाक्षरी मंत्र ये पावन निर्जन को कर देता मधुबन समय गति को वश में करके क्षण में कर दे युग परिवर्तन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय संताप मिटाए तीन लोक के किस भी जन से इसकी महिमा कही न जाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवमय कर दे सफल सकल ये निश्चय कर दे शिव का मंत्र शिवमय कर दे सफल सकल ये निश्चय कर दे मुक्ति दे इसकी शक्ति हर एक भय से निर्भय कर दे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पिताश्री आप कब आए पिताश्री? अभी अभी आया हूँ, किंतु तुम दोनों इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? आश्चर्य तो मुझे करना चाहिए कि मैं पिता होकर भी शासन का सुख भोग रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ साधना का कष्ट झेल रहे हो। शुभ कष्ट नहीं सुख है पिताश्री। पुत्र, मेरे लिए, मेरी आयु के लिए ये भक्ति सुख हो सकती है, किंतु इस युवावस्था में जबकि तुम्हें राजपाट करना है, ऐश्वर्य भोगना है, तो तुम लोग शिव भक्ति में लग गए, ये तुम्हारे लिए सुख कैसे है पुत्र? ये भक्ति सुख कैसे है इसे वाणी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता पिताश्री, किंतु मन और आत्मा का आनंद इसे प्रिय है। और तुम दोनों मुझे प्रिय हो, अपनी प्रजा प्रिय है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार तुम दोनों मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार तुम प्रजा को और प्रजा तुम्हें प्रिय हो। पुत्र नारायण, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ। जितना संभव हुआ मैंने शासन किया और अपने प्रजा की सेवा भी की, किंतु अब यह कार्य तुम करो और शिव भक्ति मैं करूंगा। मैं राजकार्य नहीं पिताश्री, सर्वथा नहीं, मैं राजकार्य के योग्य नहीं। ये कार्य आप भैया नर पर सौंपे तो अति उत्तम होगा। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? यदि आप राजकार्य के लिए अयोग्य है तो आपका छोटा भ्राता योग्य कैसे हो सकता है? पिताश्री, भ्राता नारायण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम व समर्थ है। भ्राता नर, तुम मुझे शिव भक्ति से विचलित करके पाप का भागी क्यों बनना चाहते हो? अरे पुत्रों, तुम दोनों आपस में ही तर्क करने लगे, मैंने जो कहा उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताश्री, आपने जो कहा भ्राता नारायण से कहा, क्योंकि बड़े होने के नाते राज सिंहासन के उत्तराधिकारी यही है, किंतु शिव भक्ति के कारण ये मुझे राज सिंहासन के लोभ और माया में डालने का उपक्रम करने लगे, तो मैंने पारंपरिक रीति को स्पष्ट किया, तर्क नहीं किया मैंने। नर, तुम अपनी सीमा मर्यादा में रहो। तुम मुझे और पिताश्री को पारंपरिक रीति रीति का ज्ञान देना चाहते हो? क्या पिताश्री और मैं इस सत्य को नहीं जानते? वे विश्राम करना चाहते हैं और मैं शिव भक्ति, इसलिए तुमसे कहा गया है तुम शासन की व्यवस्था संभालो। ये मेरी और पिताश्री की आज्ञा है। नहीं, ये इनकी आज्ञा नहीं, आपकी इच्छा है। आप शिव भक्ति के कारण राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं तो करें, किंतु मुझे शिव भक्ति से विमुख करके आपको क्या लाभ होगा? राज नारायण, आपको दूरदर्शिता से काम लेना होगा, इसी में राज्य और प्रजा का कल्याण है। आपको राज्यकारी संभाल लेना चाहिए। यही समय की मांग है युवराज। नहीं, शिव भक्ति के बिना अब मेरा जीवन अपूर्ण है, ये मुझसे नहीं होगा। पुत्र नर, यदि नारायण के राजा बनने की इच्छा नहीं है तो तुम ही स्थिति को समझकर इस दायित्व को ग्रहण करो। पिताश्री, यदि भ्राताश्री शिव भक्ति से विमुख नहीं हो सकते तो मैं उनका लघु भ्राता, जिसका हृदय और भी कोमल है, कैसे शिव भक्ति से परे जा सकता हूँ? मुझे क्षमा करें पिताश्री। कैसे पुत्र हो तुम कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानना स्वीकार नहीं? किंतु तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे इस हट से मेरा विचार बदलने वाला नहीं, और मैंने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपना राजपद त्याग कर वन जा रहा हूं। और अब यदि राज्य में अव्यवस्था हुई तो इसका सारा उत्तरदायित्व तुम पर होगा, उसके कारण तुम होगी, और इसका उत्तर प्रजा तुमसे मांगेगी, तुमसे। आप क्रोध में करें पिताश्री, ज्ञानियों का कहना है क्रोध करने से स्थिति बनती नहीं अपितु तो और बिगड़ जाती है। आपकी आज्ञा अनुसार यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ भी गया तो मेरा तन भले ही उपस्थिति दे देगा, किंतु मेरा मन सर्वदा शिव के ही ध्यान में लीन रहेगा, उससे क्या लाभ? तो मैं क्या करूं? तुम दोनों अपनी भक्ति को त्याग नहीं सकते और मैं राज्य का त्याग किए बिना रह नहीं सकता, तो फिर प्रजा का क्या होगा? प्रजा को संभालेगा कौन? उसकी व्यवस्था कौन करेगा?
प्रजा को स्वयं अपनी व्यवस्था करने का अवसर दें पिताश्री, वे सारा कार्य संभाल लेंगे। क्या क्या कहा तुमने? प्रजा के प्रतिनिधियों को राजभार सौंप कर प्रजातंत्र की एक नवीन परंपरा आरंभ कीजिए महाराज। राज्य और राजा से प्राप्त होने वाले कष्टों से प्रजा मुक्त हो जाएगी। क्या प्रजा को राजा से कष्ट होते हैं? विधाता साक्षी है कि हमने अपनी प्रजा को सदा पुत्रवत समझा और सदा उन्हें कष्टों से दूर रखने का प्रयत्न किया है। ये तो आप अपने विचार और कर्म की चर्चा कर रहे हैं, किंतु आपके और प्रजा के मध्य अनेक राज्य अधिकारी राज्य की व्यवस्था में भागीदार हैं। वे उन्हें पुत्रवत नहीं समझते और सारा दोष राजा पर ही आता है। प्रजा के प्रतिनिधि अगर सारा राजकार्य करेंगे तो गुण दोष का सारा दायित्व प्रजा का ही होगा। लगता है भगवान शिव शंकर की यही इच्छा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम व्यस्त है। उनसे कहिए कि उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। कहा ना वो इस समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उनसे मिलकर रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाश्री? प्रजा का विरोध। हमने पिताश्री को तो जैसे तैसे मना लिया, प्रजातंत्र का नया उपाय भी बता दिया, किंतु ये प्रजा राज नारायण की जय।